मोदी को अपने बीच पाकर काशी की जनता गदगद हो गई। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी बाबा के धाम पहुंचे थे। हाथ में त्रिशूल लिए और माथे पर चंदन, प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 34 जगहों पर हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम के रोड शो के दौरान ढोल नगाड़े और हर हर महादेव गुंजायमान हो रहा था। एक घंटे के रोड शो के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। पीएम ने गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का भव्य षडोपचार विधि से पूजन किया। 30 मिनट के पूजन के बाद त्रिशूल उठाकर पीएम ने हर हर महादेव का जय घोष किया। एक तरह से उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के बाहर त्रिशूल दिखाकर चुनावी बिगुल फूका। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर 2024 में जीत का आशीर्वाद भी मांगा। बाबतपुर से विश्वनाथ धाम होते हुए बनारस रेल इंजन कारखाना तक के 24 किलोमीटर के रूट पर काशीवासियों ने अपने सांसद पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई। ढोल ताशे की थाप पर लोग खूब झूमे और थिरके। पखवाड़े भर में दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र आए पीएम मोदी का जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बुलंद स्वर में स्वागत किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में बाबा की आरती की और संकल्प के साथ कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने उनकी पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा की, लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर परिसर में उन्होंने पुजारियों से बातचीत की। इसके बाद त्रिशूल दिखाकर चुनाव का बिगुल बजाया। मंदिर न्यास प्रशासन ने धाम पहुंचकर पीएम मोदी का स्वागत किया। महंत ने उन्हें श्रृंगार मुकुट भेंट कर विजय भव का आशीर्वाद दिया। महाशिवरात्रि की दूसरी रात बाबा की 7 मिनट की विशेष पूजा में पीएम नरेंद्र मोदी ने काशीपुराधिपति को पुष्प और बिल्व पत्र अर्पित किए, साथ ही फूलों का मुकुट धारण किया। इसके बाद बाबा की आरती उतारी और परिक्रमा की। यहां पीएम मोदी को भगवान शिव से जुड़े प्रतीक चिन्ह नाग और डमरू से सजे नक्काशीदार त्रिशूल का उपहार दिया गया, जिसे उन्होंने श्रद्धा भाव से स्वीकार किया और विजयी मुद्रा में लहराकर अपने विभोर भाव को प्रदर्शित कर दिया। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए जनता में उन्हें देखने का जोश भी ज्यादा ही था। साथ ही बीजेपी की तरफ से भी इसके लिए भव्य तैयारी की गई थी ताकि इसकी गूंज विपक्षियों के कानों तक भी पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर टक्कर कड़ी है और पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से सांसद बनने की तैयारी में है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।